नमस्कार, मैं खुशी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। इसरो ने आज के दिन प्रक्षेपित किए थे 3 उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C16 ने श्रीहरिकोटा से 20 अप्रैल 2011 को 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। PSLV-C16 अपने साथ रिसोर्सेट 2, एक्सेट और युथसेट ले गया था। इन तीनों में से एक भारतीय, एक रूसी और एक सिंगापुर का उपग्रह था। इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन ने कहा था कि ये भारत के इतिहास में बड़ा कदम है। रिसोर्सेट 2 में कुछ ऐसे उपकरण लगाए गए थे जो जहाजों पर निगरानी रखने में सक्षम थे। आज के दिन चांद पर उतरा था अपोलो 16। नासा का यान अपोलो 16 प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद 20 अप्रैल 1972 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया था। चंद्रमा पर पहुंचने से पहले अपोलो 16 के इंजन में खराबी आ गई थी, जिसके कारण इसे चांद पर उतरने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपोलो 16 मिशन को चांद पर उतारा गया था। इसी के साथ अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक चंद्रमा पर उतरने वाली 5वीं टीम के सदस्य बने थे। जर्मन तानाशाह हिटलर का आज के दिन हुआ था जन्म। विश्व के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उसने फांसीवादी नीतियों की शुरुआत की थी, जिसके कारण द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ और 11 मिलियन लोगों की जान गई। लगभग 60 लाख यहूदी हिटलर की क्रूरता के शिकार बने। हिटलर किसी भी तरह पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था, हालांकि ऐसा नहीं हो सका और द्वितीय विश्वयुद्ध में हार सामने देखकर उसने बंकर में खुद को गोली मार ली थी। इससे पूर्व नवंबर 1923 में सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश में हिटलर को 9 महीने की सजा सुनाई गई थी। सोवियत संघ ने आज के दिन मार गिराया था कोरियाई विमान। 20 अप्रैल 1978 को सोवियत संघ ने कोरियाई एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 902 को हवा में गोली मारकर गिरा दिया था। कहा जाता है कि कोरियन नागरिक एयरलाइंस ने सोवियत हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। इस पर सोवियत वायु रक्षा सैनिकों ने चेतावनी दी, लेकिन जब पायलट ने चेतावनी को अनसुना कर दिया तब प्लेन पर गोलियां चला दी गई थी। विमान में 109 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी जबकि 107 को बचा लिया गया था। यह विमान पेरिस से सियोल जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 20 अप्रैल दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी। खर्च अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों को मनोनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व स्लेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा रहेगा। औरों से आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला,
आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चनें दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव हैं। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवारजनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामनी स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।